मेरे सभी लिसनर्स को नमस्कार। और आज हम शुरू करते हैं माइक्रोवेव प्रोपगेशन इन फेराइट्स, और जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आइसोलेटर्स एंड सर्कुलेटर्स, क्योंकि ये फेराइट्स को यूज़ करके ये दो डिवाइस भी बनाए जाते हैं। मैंने कहा भी बनाए जाते हैं, मतलब और तरीके से भी बन सकते हैं। सो इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा जिसके अंदर मैंने मोस्टली सारी चीज़ों को कवर किया है। दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसको मैंने एक्सप्लेनेटरी बताया है, और जो कुछ थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस या फिर बहुत शॉर्ट टॉपिक्स हैं उसको मैंने शॉर्ट में ही बताया है। नोट्स में मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन दी है। तो आगे चलते हैं। तो पहले पढ़ते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले फेराडे रोटेशन। फेराडे रोटेशन होता क्या है, जिसके लिए सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि फेराइट्स क्या होते हैं। फेराइट्स एक हमारी फैमिली ऑफ मेटल ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि हमारा आयरन, जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। तो इस टाइप की मेटल्स को हम फेराइट्स बोलते हैं। ऑब्वियसली फेरस ऑक्साइड इज अ टाइप ऑफ फेराइट जो हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, और ये नॉन रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, इसके बारे में हम आगे थोड़ा सा इसी स्लाइड्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा, इसी स्लाइड के अंदर पर्टिकुलर। तो इसमें अगर मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी वे में नहीं गया हूँ, लेआउट के अंदर थोड़ा अच्छे से कर्व के अकॉर्डिंगली बताया है, बट वी नीड नॉट टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू द कर्व एंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इन मैग्नेटिक्स। सो थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में जाता हूँ, तो ये बिकॉज ऑफ असिमेट्रिक टेंसर परमिएबिलिटी, क्योंकि फेराइट मेटल की असिमेट्रिक टेंसर परमिएबिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से इसमें फेराडे रोटेशन होता है। अब ये असिमेट्रिक टेंसर परमिएबिलिटी और फेराडे रोटेशन है क्या, जिसको एक सिंपल फॉर्मूले से, जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, बी इक्वल्स टू म्यू एच, म्यू इज द परमिएबिलिटी, और जिसके अंदर म्यू की वैल्यू दी है म्यू नॉट वन प्लस जाई एम। तो ये जाई एम उसकी डायगनल ससेप्टिबिलिटी को बताती है, मतलब कि उसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो ससेप्टिबिलिटी की वजह से हमारा जो परमिएबिलिटी है वो चेंज होती है। तो उसकी वजह से उसके अंदर एक असिमेट्रिक टेंसर परमिएबिलिटी प्रोड्यूस होती है। अब फेराडे रोटेशन की बातें करें, तो एक प्रोसेस के थ्रू हम समझते हैं कि अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं किसी अपने फेराइट मेटल के अक्रॉस, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारे लाइनअप हो जाते हैं, क्योंकि उनका भी अपना डाइपोल है। तो असिमेट्रिक टेंसर परमेबिलिटी क्या करती है कि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अलग-अलग रखती है, मतलब उसके परमिएबिलिटी को दोनों को अलग अलग रखती है, मतलब म्यू आर प्लस और म्यू आर माइनस, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी अलग अलग उसके अलग अलग एंड पर मौजूद हो जाती है। इसी चीज को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक टेंसर परमिएबिलिटी, जो कि अनइक्वल रहती है हर उस रॉड के हर, हम कह सकते हैं, लैटिस पर। तो इस वजह से जो भी हमारा अगर कोई माइक्रोवेव उसके अंदर प्रोपोगेट करेगी तो वो भी पोलराइज हो जाएगी, जिस पोलराइजेशन के लिए हमने ये फॉर्मूला लिखा है, वेयर दिस न्यू इज द प्रोपोगेशन कांस्टेंट, जिसके अंदर ऑफ डायगनल ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी दोनों का ये फंक्शन है, जहां पर परमिएबिलिटी हमारी फेराइट में क्या हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ रहेगी। और फर्दर इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया और देखा, जब म्यू आर प्लस हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये रिलेशन ओमेगा को इक्वल करेगा, ओमेगा इक्वल टू न्यू ई एच डी सी, तो इस वैल्यू के इक्वल आ जाएगी, जिसमें इस पर्टिकुलर कांस्टेंट को, क्योंकि सब सॉल्व करेंगे तो कुछ कांस्टेंट निकलेगा, उस कांस्टेंट को गायरो मैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा गया, और इस फिनोमिना को गायरो मैग्नेटिक रेजोनेंस के नाम से जाना गया। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर म्यू आर प्लस बहुत ज्यादा होगा म्यू आर माइनस से, जो कि यहां सॉल्व किया था, मैंने यहां पर विस्तार में नहीं बताया है, आप बुक को रिफर कर सकते हैं, अभी हमें जरूरत नहीं है एज पर द सिलेबस, तो बस हमें जानना जरूरी था। अब मैं इस फिगर से इस चीज को कंक्लूड करता हूं। सपोज करिए कि जेड डायरेक्शन में हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है किसी माइक्रोवेव का, और किसी वो हॉलो फेराइट रॉड के अंदर से हम उसको पास करते हैं,
तो क्या होगा, हमारी सर्कुलरली पोलराइज हो जाएगी उस केस में जब हमारा म्यू आर बहुत ज्यादा, म्यू आर प्लस बहुत ज्यादा होगा। और इस रॉड की एक लेंथ को सिलेक्ट अगर हम इतनी कर लें कि इस लेंथ पर डिपेंडेंट है उसका फेज का शिफ्ट होना, कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये फेज शिफ्ट होगा, ये रोटेट करेगी, और इस रॉड की लेंथ पर डिपेंड करेगा कि हमें फेज शिफ्ट कितना होगा। तो मैं अब कंक्लूजन वे में फेराडे रोटेशन को कहता हूं कि अगर हमारी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किसी फेराइट मेटल के थ्रू पास होती है तो वो सर्कुलरली पोलराइज हो जाती है, और उसका जो थीटा है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ दैट फेराइट मेटल। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फेराडे रोटेशन, और इसने फेराडे ने ये बात बताई थी तो उसने इसको अपने ही नाम पर रख दिया। कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे गायरेटर एक फेज शिफ्टर की तरह काम करता है, एक डिवाइस है माइक्रोवेव का जो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये भी मैंने अपने नोट्स में दिया हुआ है। आइसोलेटर जो हम अभी पढ़ेंगे, जिसकी जीरो अटेन्यूएशन और सोर्स टू लोड कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है, हमारा सर्कुलेटर जो एक सिग्नल को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट सर्कुलेट करता है। तो आगे बढ़ते हैं फैराडे रोटेशन से, अपने सबसे पहला टॉपिक लेते हैं आइसोलेटर। आइसोलेटर हमारा एक दो पोर्ट का डिवाइस होता है। जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर अगर हम बात करें कि जब भी हम एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करते हैं तो दोनों के बीच में इम्पीडेंस मैचिंग होनी चाहिए, मतलब कि आप ये देखें कि हमारा इनपुट इम्पीडेंस हाई होती है, आउटपुट इम्पीडेंस लो होती है, सो दैट करंट का फ्लो आपका प्रॉपर हो। इस तरीके से ही हम उसके अंदर बीच में आइसोलेशन डिवाइसेस लगाते हैं, जिससे जो आपका सेकंड वाला जो कंपोनेंट है वो फर्स्ट कंपोनेंट के या डिवाइस के हमारे लोड का काम ना करें। ठीक उसी तरह से हमारा आइसोलेटर भी करता है। अगर मैं अभी इसके डिटेल में नहीं जाता हूं और मैं कहता हूं ये वो मेरा एक डिवाइस है, तो इसको भी ठीक वैसा ही बनाया गया कि इसका अटेनुएशन कांस्टेंट जो P1 से P2 के, अगर हमारा कोई माइक्रोवेव P1 से P2 की तरफ जाएगी तो उसका अटेनुएशन नेगलिजिबल होगा, मगर अगर P2 से पोर्ट 2 से P1 की तरफ अगर कोई हमारी माइक्रोवेव जाएगी तो उसका अटेनुएशन मैक्सिमम होगा। दैट मींस कि हमारी अगर इस सिस्टम से वेव जा रही है तो वो प्रॉपरली विदाउट अटेनुएशन चली जाएगी, मगर अगर कोई उधर से रिफ्लेक्शन आ रहा है तो वो पहले डिवाइस की तरफ नहीं आएगा। तो ठीक उसी तरह से ये इम्पीडेंस मैचिंग के काम आता है, सोर्स टू वेरिएबल लोड को कनेक्ट करने के काम आता है। अब इस डिवाइस को अगर देखें तो ये कुछ ऐसा ही लगता है जैसे मैंने आपको बेंड्स और ट्विस्ट बताया था, इसके अंदर ये ट्विस्ट दिया गया है जो कि 45 डिग्री का फेज शिफ्ट को बताता है। ओके, और यहां से ये दिया है कि T10 मोड जो कि इसका डोमिनेंट मोड है रेक्टेंगुलर वेवगाइड का, यहां जाकर ये सर्कुलर हो गया और यहां आकर फिर से ये रेक्टेंगुलर हो जाता है। तो अब इसके अगर सिंपल सी एक वर्किंग समझे कि पहले यहां से जब रोटेट हुआ तो रेक्टेंगुलर से जैसे ही सर्कुलर में गया तो सिग्नल अपने आप में ही 45 डिग्री ट्विस्ट हो गया बिकॉज ऑफ दिस ट्विस्ट। तो 45 डिग्री तो ये हो गया हमारा। उसके बाद 45 डिग्री हमारे ये जो बनाया है ये एक फेराइट मेटल को रिजेंबल करता है, इस मेटल को तो फेराइट यहां पर लगाया है, जिसकी वजह से 45 डिग्री और हमारा ट्विस्ट हो गया। तो ओवरऑल जो ट्विस्ट रोटेशन हुई इसकी वो कितनी हो गई, 190 डिग्री की रोटेशन यहां से प्रोड्यूस हो जाती है। टी यहां पर दोनों सर्कुलर के लिए कहें या फिर रेक्टेंगुलर के लिए कहें, दोनों मोड यहां पर डोमिनेंट ही फ्लो करेंगे। अब इसमें ये जो दो अलग अलग लगाए हैं ये है हमारे रेजिस्टिव कार्ड्स। रेजिस्टिव कार्ड क्या करते हैं कि सपोज इसके कोई पैरेलल रोटेशन, कोई पैरेलल फील्ड अगर होगी तो उसको क्या कर लेते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहां पर कुछ इस डायरेक्शन में होगा और यहां पर कुछ इसके पैरेलल डायरेक्शन में होगा, ताकि जो भी कोई पैरेलल फील्ड्स होंगी उसको ये रेजिस्टिव कार्ड हमारे एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो मेरे पास यहां से यहां तक 90 डिग्री फेज शिफ्ट होके मुझे आउटपुट पर मिल जाएगा, और किसी यहां से किसी और अगर अननोन फील्ड है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहां से तो सिंपल हमारा चला जाएगा, मगर वापसी हमारा जो माइक्रोवेव्स है वो बिकॉज ऑफ दीज रेजिस्टिव कार्ड एंड बिकॉज ऑफ दीज दिस पर्टिकुलर फेराडे फेराडे
फेराइट, इसकी वजह से वो रिटर्न के अंदर उसको उसका जो एटेन्यूएशन है वो मैक्सिमम रहेगा। अब और भी तरीके से इसको बनाया गया है, ये फिगर मैंने अपने नोट्स में दिया है और ये फिगर और उसको एक्सप्लेन भी किया गया है अच्छे से, वहां से आप अच्छे से पढ़ लें। और मैंने यहाँ पर ये भी आपको फेराडे रोटेशन आइसोलेटर जो है ये लियाओ बुक से लिया है, जिसके अंदर यही रेजिस्टिव रेजिस्टिव वेन इसका नाम दिया है उसने, और यहाँ पर भी ये रेजिस्टिव वेन है, इसकी डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ से 45 डिग्री यहाँ से टर्न करेगा इस, ये जो हमारा है जिसको हमने क्या कहा हमारा ये है फेराइट रॉड के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ से अगर ये 45 रोटेशन करा तो इसकी जो रेजिस्टिव कार्ड है इसकी भी 45 डिग्री मतलब उसी के ही पैरेलल आ जाना चाहिए, ताकि वो अदर्स जितनी भी फील्ड हैं उसके लिए लोड का काम करे। तो ओवरऑल यहाँ से रोटेशन मेरी 45 डिग्री मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, जो थीटा मैंने पहले भी बताया था वो लेंथ ऑफ द रॉड पे डिपेंड करेगा। अगर हम टिपिकल एक आइसोलेटर की बात करें तो फॉरवर्ड ट्रांसमिशन के अंदर 1 dB इंसर्शन लॉस होता है, और अगर रिवर्स डायरेक्शन में बात करें तो 20 to 30 dB रिवर्स ट्रांसमिशन में लॉस होता है। तो ये है आइसोलेटर का काम। आगे बढ़ते हैं अपने सर्कुलेटर के लिए। सर्कुलेटर मैंने आपको बताया था कि एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट सिग्नल ट्रांसमिशन करने के लिए, ये हमारा मल्टी पोर्ट जंक्शन हो सकता है, इसमें 1 to n कितने भी पोर्ट हो सकते हैं, बट हम यहाँ पर केवल पढ़ रहे हैं 4 पोर्ट का सर्कुलेटर। 4 पोर्ट के सर्कुलेटर में सिंपल सर्कुलेटर का इतना ही काम है कि n से n+1 पोर्ट मतलब, और यूनिडायरेक्शन में ये काम करेगा, P1 से चलेगा तो P4, मैं गलत बोल गया, P1 से निकला P2, P1 में सिग्नल हमारा इंसिडेंट हुआ तो P2 से बाहर आएगा, P2 से बाहर जाएगा तो P3 से आएगा, P3 से जाएगा तो P4 से आएगा, और P4 से जाएगा तो P1 से। केवल ये इसीलिए इसको सर्कुलेटर का नाम रखा गया, और इसकी इसी एडवांटेजेस की वजह से हमने इसको किसी और बहुत सारी एप्लीकेशंस में भी यूज किया। एक सिंपल सर्कुलेटर को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है जो एक डिवाइस के रूप में मैंने लिया है, जिसके 4 पोर्ट हैं P1, P2, P3 एंड P4। तो यहाँ पर एक चीज को मैंने समझाया गया है कि जब हमारा P1 से मेरा सिग्नल जाएगा P2 के लिए, और P2 से P3 के लिए, P3 से P4 एंड सो ऑन, ठीक है, वैसे ही काम करेगा। जब हमारा T10 से T11 मोड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रेक्टेंगुलर है, फिर ये सर्कुलर शुरू हो गया, तो 45 डिग्री का फेज शिफ्ट तो मेरा यही हो गया, और मेरे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्रीज हो कन्वर्ट पहले ही हो गई। जब ये 45 डिग्री कन्वर्ट हो गई है तो उस केस के अंदर यहाँ P3 और P4 पे अनइफेक्टेड रहेगा, मेरा कोई आउटपुट यहाँ पर मुझे नहीं मिलेगा, और उस केस के अंदर सीधा हमारा P2 पर मुझे आउटपुट मिल जाएगा। और अगर बात करें P2 से P3 के लिए, जब P2 से P3 के लिए जाएगा सिग्नल हमारा, तो उस केस के अंदर हमारा सीधा ये सिग्नल जाएगा यहाँ कि इसके पैरेलल है, और 45 डिग्री मेरा इससे फेज शिफ्ट होगा, और जैसे ही फेज शिफ्ट होगा क्लॉकवाइज वो P3 से मेरे पास आउट हो जाएगा। और ठीक इसी तरह से P3 से जब हमारा सिग्नल जाएगा 45 डिग्री फेज शिफ्ट, और फिर यहाँ से P4 से मेरा सिग्नल आउट हो जाएगा, और दूसरे पोर्ट्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये तो है सिंगल यूनिट डिवाइस जिसकी मैंने वर्किंग बताई, जिसमें 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और 4 में अगर इनपुट कराएं तो 1 से मेरा आउटपुट मुझे मिलेगा। अब इसी चीज को मैजिक टी के थ्रू बनाया गया है, 4 पोर्ट सर्कुलेटर यूजिंग मैजिक टी। ये क्वेश्चन कई बार आता है, इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी है, अगर आपको मैजिक टी की जो फंक्शनैलिटी है वो याद हो, वो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखी भी है। मैंने बताया था कि ये अगर हमारा मैजिक टी है, ये ई आर्म है, ये एच आर्म है, और ये हमारे 1 2 जो हमारे कोलिनियर आर्म्स हैं। तो ये था कि अगर ई आर्म के अंदर अगर कोई भी मेरा इनपुट, ई आर्म की जो प्रॉपर्टी है, ई प्लेन की जो प्रॉपर्टी है, अगर पावर अप्लाई करूंगा पीई पर तो वो P4 से बाहर नहीं आएगी, मतलब PE पर अप्लाई करूंगा तो वो P4 से बाहर नहीं आएगी, और PH पर, H आर्म पर पावर अप्लाई करूंगा तो वो डिवाइड हो जाएगी P1 P2 दोनों तरफ। और यहां पर अगर देखें तो PE से P4 पे तो नहीं आएगी, मगर ठीक जो कोलिनियर आर्म है P1 P2 बिल्कुल सेम पावर वहां पर चली जाएगी। आप पीछे स्लाइड्स में जा सकते हैं या नोट्स में भी चेक कर सकते हैं, यही वो प्रॉपर्टी है। और EH प्लेन की ये और प्रॉपर्टी थी कि अगर 1 में आप पावर अप्लाई करेंगे तो 2 में नहीं मिलेगी, 2 में आप पावर अप्लाई करेंगे तो P1 में मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो इन प्रॉपर्टी को ही
ध्यान में रखते हैं, हम एक फेज यहां से समझते हैं। सपोज करिए कि मैंने वन पोर्ट पे पावर अप्लाई करी, जब मैंने ये कौन सा आर्म हो गया हमारा एच आर्म। इस एच आर्म में जब हम पावर अप्लाई करेंगे तो वो पी वन पी टू में डिवाइड हो जाएगी, मतलब इधर चली जाएगी इधर चली जाएगी, इस पोर्ट पे कोई भी पावर नहीं मिलेगी। जब वो पी हाफ इधर चली जाएगी, हाफ पावर इधर चली जाएगी और इस डायरेक्शन में कोई फेज शिफ्ट नहीं है, ये दो मैजिक टी और एक फेज शिफ्टर से बनाया है। तो यहां से ये पी वन पी टू जब हाफ चली जाएगी तो यहां से पी वन आई, इधर से पी टू आई। तो जो ओवरऑल अगर हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ें तो पी वन पी टू पर जब आप पावर अप्लाई करेंगे तो दोनों ऐड होके मुझे पी टू पर मिल जाएगी और पी फोर पर कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। ठीक इसी तरीके से आगे भी ये काम करेगा कि जब हम टू पे अप्लाई करेंगे तो थ्री से मुझे आउटपुट मिलेगा और थ्री पे अप्लाई करेंगे तो फोर पर, और फोर पे अप्लाई करेंगे तो वन पर पावर आउटपुट मिलेगा। ये असाइनमेंट के तौर पर आप खुद समझिए एक बार, ई प्लेन टी, एच प्लेन टी और आपका मैजिक टीज, तीनों को एक बार प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करने की खुद से कोशिश करिएगा। बहरहाल नोट्स में ये सारी चीजें मैंने लिखी भी है, अगर आप खुद से कर लें तो ज्यादा बेहतर है। इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो ये डुप्लेक्सर की तरह भी काम करता है, ट्रांसमीटर रिसीवर एक साथ ये काम करता है, और दूसरा एक आइसोलेटर की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। आइसोलेटर की तरह अगर इसके दो पोर्ट सपोज थ्री और फोर को मैं अगर क्या करता हूं, उसको यूज नहीं करता हूं तो उसको बंद कर देता हूं, तो वन और टू मेरा आइसोलेटर की तरह भी काम ये करता है। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है दे आर लो पावर डिवाइसेस, इसमें हाई पावर को इस तरीके से हम यूज नहीं कर सकते, इस टाइप के सर्कुलेटर को हाई पावर पर नहीं ले जा सकते। और कुछ अलग कंपोनेंट्स हैं जो नोट्स में मैंने गिवन है, आप अटेन्यूएटर, अटेन्यूएटर क्या होते हैं, अपने सिग्नल को कम करने के लिए, सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए, उसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए, ये दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो ये फिक्स का एग्जाम्पल है जिसके अंदर एक बीच में यहाँ पर एक एलिमेंट लगाया है जो लॉसी डाइलेक्ट्रिक का बना है, ये क्या करेगा, उसके पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा, आउटपुट पावर को डिग्रेड करेगा। अगर हम वेरिएबल की बात करें तो सिंपल नॉचेस का यूज किया गया है। आप देखें कि अगर सपोज करें कि यहां से यहां पावर हमारी ट्रांसमिट हो रही है, तो अगर मैं इसको पूरा खोल दूं तो सारी पावर चली जाएगी, इसको प्रेस कर दें तो मेरे कुछ सारी आधी पावर सपोज यहां अटेनुएट हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपने माइक्रोवेव सिग्नल को अटेनुएट कर सकते हैं। और फेज शिफ्टर तो हम पढ़ ही चुके हैं, इसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल अगर हम ये रेक्टेंगुलर से इसमें करें, पहले सर्कुलर में तो 45 डिग्री का फेज शिफ्ट पहले मिल जाएगा, उसके बाद फेराडे रोटेशन लगा दे तो 45 और ले लीजिए, तो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट ओवरऑल हो गया। और इस टाइप की चीजों को फर्दर फेज शिफ्ट का एंगल बढ़ाने के लिए हम और किसी भी तरीके से बना सकते हैं, जो आप अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से, ये मैंने एक सिंपलेस्ट फॉर्म का आपको समझाया है। तो ये हमारा यूनिट, काफी लंबा मेरा लेक्चर हो गया, बट मैंने ये यूनिट यहाँ खत्म कर दिया है। 7 लेक्चर तक ले जाने का मन था बट वो छोटे छोटे थोड़ा सा अजीब लग रहे थे। तो हम आशा करता हूँ ये आपको बहुत लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा जरूर, और आगे हमारा यूनिट ये खत्म हो गया, और आगे कौन सी यूनिट मैं स्टार्ट करता हूँ वो थोड़े समय बाद मैं देखता हूँ। सो गुड बाय, टेक केयर।